विराजमान बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सबों पहली तो मैं इंदा साहब रो और दुबे जी रो और प्रिंसिपल साहब रो मैं आभार प्रकट करूं के बारे जावा जने कैलाश दान चाड़ ने लोग बड़ी बड़ी गिफ्ट देवे, लेकिन फालना में एज आदमी अड़ा है जो मन लिफ्ट देवे। मैंने बहुत खुशी हुई कि मैं मने सबों पहली मने जटे राखियो, पर मैं आपने विश्वास दिलो मैं चारण जति में जन्म लियो, बिगो एक ही जमीनी है, बाकी कविता की कमी नहीं है। हाँ तो आज सेठ करान वेजड़ी भेंट करा, हाँ तो आज सेठ करान वेजड़ी भेंट करा, कविता में पेश करान, फालतू में नहीं बहस करान, मारी कविता नहीं सुने उठान सीधो कैश करा। अरे तो सिंपल है, आप तो एक रीज क्यों, मैं कहीं करूं, मैं तो एक चीज पेश करूं। हाँ हुकुम, जय श्री सर। मैं भाई बंद है कोई बात, कविता में कई फंद है, ठीक मारो टाइम जतो रही भाई। दुबे साहब मने सबों पहली मने खड़ो करियो, और अपन कोई भी काम करना जाने अपन एक बात जरूर सोचा कि बोनी सुबह दुकान खोले तो लोग कह बोनी अच्छी बनी चीज, जो मने खड़ो करियो। पहले बात तो आने धन्यवाद दूं, आने मारे मत विश्वास है कि वो आदमी इन आदमी री बोनी बढ़िया भी जनी जे मने खड़ो करियो। तो मैं आपने मारी कविता जो सैंपल है, मैं फालना में पहली बार आयो हूं, यूं तो कई बार निकली हूं लेकिन कविता में आज तक नहीं पिघली हूं, पहली बार आयो हूं आप रे सामी मारे कविता रा सैंपल रखूं, ढाई घंटा री कैसेट हूं, लेकिन मैंने ये कविता रो आदेश लियो है, मैं रात भर अटी बैठो हूं, कहीं कविता नहीं सुनो, कविता होने कौन आज रे जमाना, मैं सोचित में रहूं, मैं सोचित हूं मैंने पाली जावनो, मैं बस स्टैंड आया पूछे भैया बस कटे जाई के पाली, मैं क्या सीट है कोई खाली, देखे आवरा मैं माँ जान बैठ गया सर, माँ जान बैठिया पे कवि हाँ मानू बोलिया भी न रही जी को, एक आदमी कने बैठो, मैं क्यों आप कटू पदारिया के देवगढ़ मदारिया, मैं क्यों मैं कवि कैलाश दान चारण कविता पेश करूं, वो क्यों माडाने होना तो मैं सीधो केस करूं, कौन होने मैंने बताओ आप। आ तो मेहरबानी है फालना नहीं लोगों ने जो मारी सहन कर दिया है, घर बार काट दियो क्यों आज होना काल होना, मैं क्यों फालना वाला ने सुना हूं। तो हंसी मजाक नहीं बातें खूब है, खूब कवि है लारे हंसी मजाक खूब करेला, मानकर नहीं खूब है हंसी मजाक की बातें, ऐडी बात को नहीं, कविता मायने रग रग में भरियोड़ी है, 40 साल में वो धंधो करियो, ठीक है नहीं, घरे जावा तो कोई होने को नहीं। अब मैं आपने निवेदन करूं कवि से, ये कवि और हो जो कहीं कविता कोई हुनता को नहीं, जो वो तड़ावरी पाल मा जान चुपचाप हुई गो नर्वस मार दे, हूँ थोड़े वो देखियो कोई कविता नहीं होने कोई नहीं, देखियो कि तड़ाव में आदमी डूब रही हो तो वो डूब रही हो तो विनिमा ने वो जो देखियो वो आदमी इन आदमी ने बचा दो तो वो आदमी मैंने बचा सके, जब वो फटाक से तड़ावर माए पड़ियो बिना आदमी ने खींचने बारे लिया, मैंने जाग बीजा साफ करिया और बिना क्यों भाई थारी मैं जान बचा दियो ना, अबे तू थारे घरे जाप रहो, वो क्यों साहब कौन हो, मैं आप रो बहुत आभार प्रकट करूं आपने बहुत बहुत धन्यवाद, वो क्यों धन्यवाद रे कहीं जरूरत है मारी एक दो कविता हूं ले वो ऐसा उतर जाई, वो आदमी कहीं करियो आपने ठाए वो तड़ाम फाचो पड़ गो, वो क्यों मैं ही मर जाऊं लेकिन कविता तो मैं आज हूं उनका हूं। तो मारे कहूं मतलब कविता हर एक आदमी पचा नहीं सके, लेकिन मैं आपने विश्वास दिलाऊ कैलाश दान चारण कहीं तक मने याद करो कि नहीं करो, लेकिन मैं जो को शब्द देऊंगा मैं शब्द मारा आपने कालजा में नहीं बैठे तो फिर चारण कविता कहीं बोली, मैं एक कविता मारी सुनू आपने आदेश भी है, एक सैंपल आपने सामने रखू हूं कहीं। अब मैंने साहब क्यों एक सैंपल मैं कहूं बात भी मारी एक कविता ही एक हवा घंटारी है, आप बोलो की करे एक सुनाऊ दो सुनाऊ, लेकिन मैं छोटी सी सुनाऊंगा, लेकिन आप दिल जीतनी कोशिश करूंगा, फालम पहली बार आयो हूं, कविता पसंद आवे तो तालियां बजा सको धन्यवाद दे दीजो, और नहीं तो टीवी रू विज्ञापन समझ माफ कर दीजिए। मारी एक कविता एड़ी है जो को पूरा हिंदुस्तान दिखायो, मैंने कवि सम्मेलन जाऊं वादा जो को मैंने बहुत मान सम्मान मिलियो, वही कविता मैं पहले पेश करूं आपरे सामी, जिन्हों नाम है सपूत बेटो कपूत बेटो औलाद रे बारे में कविता लिखी मैं सुना। के भाइयों कहो जमानो आयो लोग भगवान सु भी नहीं डरे है, भाइयों कहो जमानो आयो लोग भगवान सु भी नहीं डरे है, कई जगह माँ बाप जानवर जू मरे है, औलाद माँ बाप री रोटी रे वास्ते रोवे है, माँ बाप रे कपड़ा तक नहीं धोवे है,
भाइयों कहो जमानो आयो लोग भगवान सुब नहीं डरे है। कई जगह माँ बाप जानवर जू मरे है, औलाद माँ बाप री रोटी वास्ते रोवे है, माँ बाप रे कपड़ा तक नहीं धोवे है, रोज आपरी खुदरी पोल खोले है, माँ बाप रे हामी बोले है, माँ बाप एडा कहीं काम खोटा करिया, गलती करी बैठाने जगह मोटा करिया, गलती करी बैठाने जगह मोटा करिया। आज रो कपूत बेटो कह के पिताजी मैं समाज री लड़की नहीं लाऊ। माँ बाप कह रहे बेटा मारे नाक बड़ा मत, मारे भूंडो लाग जाई। लेकिन आजकल संस्कार है जोड़ा आप छाना को नहीं। आज वो कपूत बेटो कह पिताजी मैं लव मैरिज करूं ला नहीं तो बेरे बावड़ी पड़ूंगा। पिताजी बेचारा जमाना देखकर डर गया, जीव तो ही मर गया। आज वो कपूत बेटो कह पिताजी मैं समाज की लड़की नहीं लाऊं, लव मैरिज करूं ला नहीं तो बेरे बावड़ी पड़ूंगा। पिताजी बेचारा जमाना देखकर डर गया और जीव तो ही मर गया। पिताजी की ओर बेटा लव मैरिज में कहीं पड़ियो, ब्यावरी मोज तो ले ही नहीं सके, मिलन वाला तू शादी रो कार्ड दे ही नहीं सके, रात रात हुतोड़ा नींद में दोनों जागोला, पचे अटी उठी भागोला, कदर थानी कोई करेला कोनी, नाने रे वाला मायरा कदी भरेला कोनी। और बेटा जो लड़की आपरा माँ बाप रे इज्जत रा कोंकरा कर सके, बा लड़की उठान थार कदी मतम जूता भी धर सके, बा लड़की उठान थार कदी मतम जूता भी धर सके। इन वास्ते दुनिया रो एक कायदो है, समाज री लड़की लाउन में फायदो है, समाज री लड़की लाउन में फायदो है, समाज री लड़की लाउन में फायदो है। ए सैंपल है मारा, थान फेस करियो तो है मामलो बहुत गड़बड़ भेजी। मैं जानू पूरा भरीजन दो, अगर आदेश भेज तो मैं भेद सुनाऊं, सुनो हाल तक चलू भी हूं। अबे फजा आप देखो आज रे जमाने में अगर कोई मां बाप रो नहीं रखे, एक औरत माते माते ओडो लियोड़ो जो को चूड़िया बेचे करे, लारे टाबर ने बांधियोड़ो और विने बेचे घर घर में जावे, और वो बेटो मोटो वे अगर गालियां बोले मां हूं लड़ियां करे तो कहीं स्थिति पैदा हुए बिना दिल रे भाव में लिखिया सुनो आप। मां कह रहे बेटा मैं थंदोरो घणो मोटो करियो, कहीं काम खोटो करियो। मां कह रहे बेटा मैं थंदोरो घणो मोटो करियो, कहीं काम खोटो करियो। आ सुनो खरी खरी स्कूल में थारी फीसा भरी और नौ महीने तक बेटा पेट में राखन थन में बोझिया मरी, और तू पैदा भी होजन थारा बाप पूरे गांव में गुड़ बेचियो और अमल गालियो, कहीं इन वास्ते तू मारा काल जो बालियो। खैर भगवान थारी हजारी उम्र करेला, लेकिन बेटा आखिर बीजणियों की ताक दिन डरेला, आखिर बीजणियों की ताक दिन डरेला, आखिर बीजणियों की ताक दिन डरेला। एक बीजणी माते व्यंग है दो लैंड रो मारो नाराज मत बीजो, अठारी फालनारी बीजणी नहीं है वा। के भगवान किने साथ खोटी करे, आदमी हाथे करने आपरी उम्र छोटी करे। भगवान किने साथ खोटी करे, आदमी हाथे करने आपरी उम्र छोटी करे। अरे माँ बाप औलाद ने दोरी गणी मोटी करे, पण बीजणिया ने कहवा रोटी करो तो कहे हाल तक चोटी करे, हाल तक चोटी करे, हाल तक चोटी करे। अरे भाई चोटी में तो रबड़ भी गाल सका, रोटी में रबड़ नहीं गाल सका। कहीं चोटी में रबड़ गालने दो मिनट सहन करो, लेकिन सासू ससुराल ने पहली रोटी करनी जरूरी है। कहीं हर आदमी चाहे मारी औलाद मारी सेवा करे, हर आदमी चाहे कि मारी औलाद मारी सेवा करे, लेकिन वो खुद आपकी माँ बाप की सेवा कितनी करी आ तो भी पड़ोसी बता सके। पड़ोसी नागमात दे घड़ी घड़ी औलाद ने कहीं को दोरा गणा मोटा करिया, दोरा गणा मोटा करिया, थे खुद काम किता खोटा करिया। जिंदगी में थानो माँ बाप रो थे कदी राख्यो, बुढ़े पर माने हमी तक नहीं झांक्यो, कदी बुकारी गोली लान दीदी कोनी, एड़ी तो हाल तक औलाद थान में की दी कोनी, एड़ी तो औलाद हाल तक थामे की दी कोनी, एड़ी तो हाल तक औलाद थामे की दी कोनी। माँ बाप बाजार में किराना दुकान मत नहीं मिले, चारू धाम करने आ जावे, लेकिन जो माँ बाप की सेवा नहीं करी तो वो आदमी जिंदगी में धाम करियोड़ा बेकार है। माँ बाप तो काजू और पिस्ता है, एक टूट सके गैल या खून रहा रिश्ता है। माँ बाप तो काजू और पिस्ता है, एक टूट सके गैल या खून रहा रिश्ता है। अरे खूब दिराए डबुन खूब दिराए बांकिया, माँ बाप अपन गणा छातिर चेपने राख्या। अरे खूब दिराए डबुन खूब दिराए बांकिया, माँ बाप अपन गणा छातिर चेपने राख्या। रोज खो मत बिटावता पेट मत लुटावता, रोज खो मत बिटावता पेट मन लुटावता, रोज थान खो देता रोज थान गिटावता। मिनी कहे तो माँ बाप रे सामी कदी बोल जे मती और अपन गरीब पोल खोल जे मती। एक भाई भाई ने समझा, मिनी कहे तो माँ बाप रे सामी कदी बोल जे मती और अपन गरीब पोल खोल जे मती, नहीं तो लोग अपने घरे सामी उब ने घर में झांकेला और दोनों भैया लोग माजना में धुड़ो ना केला। क्योंकि बूढ़े माँ बाप और फटोड़ा कपड़ा नहीं मैनी को नहीं, बूढ़े माँ बाप और फटोड़ा कपड़ा की मैंने को नहीं, वाली कदर करनी चाहिए, बूढ़े बाप माँ बाप की मदद करनी चाहिए। एक दिन पद अपनी भी पावनो है, माँ बाप की जगह अपने भी आवनो है। अरे क्यों जावे हरिद्वार ने क्यों जावे पुष्कर, अरे क्यों जावे हरिद्वार ने क्यों जावे पुष्कर। अरे भला आदमी पहले थारा माँ बाप ने खुश कर, भला आदमी पहले थारा माँ बाप ने खुश कर, भला आदमी पहले थारा माँ बाप ने खुश कर। अब जो को बेटो है जो को बारे रहे सर्विस करे कटी बिनी बेटे रे भून वे दोनों कहीं है, माँ बाप की परवाइज नहीं करे, जो को परवाही नहीं करे जन वन माँ बाप रो एक ओलगो है चाल लेनो है। इन मानी जाए मैं आपने सुनाऊ। माँ बाप के माने पया नहीं चाहिए,
थारो मने अडर नहीं छी लेकिन बेटा एक बार झलक दिखला छे एक बार आज माने मुंडो बता दे माने विश्वास है कि भाई माने बेटो हाल तक राजी खुशी है और माने माँ बाप ने कहीं छी छे देखो आप मारो जीव है केड़ो मीठो ओळबो है सुना पछी मैं मारे स्थान बैठ जाऊं पछी देर के तो हुना और भी कवि है आप सुन जो शांति हूं आपने आनंद आवला सुबह 4 बजे आप चिंता ही मत करो कहीं आप अगर बैठा रोला तो मैं आपने आनंद हुआना सुनो आप जलक दिखला जा जलक दिखला जा एक बार आजा रे बेटा आजा जलक दिखला जा एक बार आजा रे बेटा आजा एक बार आजा अरे माँ बाप बुलावे जाने बेटा तू नहीं बोले माँ बाप बुलावे जाने बेटा तू नहीं बोले और बीनड़ी रे सामी बेटा बैठो लसन छोले सरमले आजा देखो सा मैं तो मारे है जो को बात कह दा मैं तो लसन छोला कई आदमी आडो बंद करने छोले तो छोले जरूर है लसन हैंग छोले छान छान ने मने हैंग ध्यान है माँ बाप बुलावे जाने बेटा तू नहीं बोले और बीनड़ी रे सामी बेटा बेटो लसन छोले शर्म ले आजा एक बार आजा जलक दिखला जा एक बार आजा रे बेटा आजा एक बार आजा माँ बाप रा पैसा लगा दोरो मोटो करियो माँ बाप रा पैसा लगा दोरो मोटो करियो अरे भीनड़ी कहीं थारे माथे डोरो डांडो करियो शर्म ले आजा जलक दिखला जा जलक दिखला जा एक बार आजा रे बेटा आजा एक बार आजा अरे भगवान तने हाज चाहे औलाद कपूत वे चाहे सपूत वे लेकिन माँ बाप कदी भी नहीं दूरशीष कदी नहीं दे और बोले तो गाल ऊपरे बोले काल जाऊं कदी गाल माँ बाप नहीं बोले अरे भगवान तने हाजोरा के खूब पैसों देवे भगवान तने हाजोरा के खूब पैसों देवे एक बार तू आ जा रे बेटा दुनिया भूंडी के वे शर्म करे आजा जलक दिखला जलक दिखला जा एक बार आ जा रे बेटा आजा एक बार आजा चाहे तू मद्रास रेवे और चाहे बम्बई पूना चाहे तू मद्रास रेवे और चाहे बम्बई पूना एक बार तू गले लाग जा आजा रे नमूना जलक दिखला जा जलक दिखला जा एक बार आजा बेटा आजा एक बार आजा एक बार मैं कहीं से बाजार में गियो जो मैं एक तरबूज लेने आई मैं तरबूज लेने आयो जो को वो खराब निकल गो पिल पिलो निकल गो गलती भेजा इंसान है गलती भेजा मैं घरे आयो तो आप जानो लुगाई री आदत है क्यों थानी अक्ल भोंग खाई थान एक तो कोनी हो एडो लेना है तरबूज 35 रुपया भांगिया 5 रुपया किल्लर भांगू और थाने दीख तो कोनी मैं ही चुपचाप उबो रही हूँ डेढ़ तोड़ो अब उठे छुड़ावे कौन अगर मैं जोर बोलू तो चुपचाप उबो 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 हूं तो रही हो कोई जाने सप्लीमेंट एडियो भेजू मैं क्यों अब कहीं करा शैन करा और कहीं कर कदी लुगाई ने ज्यादा गुस्सा आवे तो मैं चुपचाप रहूं कहीं मने गुस्सा आवे तो बात चुपचाप रहे समय अड़ो ही वेज जड़ो चल आदमी की सोच बढ़िया वे तो सबू बढ़िया है एक छोरो है अपन बेटर बात अपन सोचा कि वो आज एक दिन तो कम वे गयो तो अपन कितनी दुख वे कि आज मारे बेटो एक दिन कम वे गयो उम्र में लेकिन अपनी सोच बढ़िया रखा था अपन कहा आज मारे बेटो एक दिन मोटो भी है बात एक ही है लेकिन सोचनो आज मेरी सोच सही है वो जिंदगी में कभी फेल नहीं वे तो मारा क्यों ना मतलब मैं तरबूज लेने आयो अब चुपचाप उबो जन मैं भी नहीं क्यों भाई नाराज क्यों है गलती इंसान हुए थारे हुए घर में कई वाला गलती वेती हुई देख मैं 2 दिन पहले गवार फलियां लायो बोल खराब निकली क्या नहीं निकली मैं कि विनू पहली मैं गोभी लायो बोल खराब निकली क्या कौन नहीं निकली विनू पहली आलू लाया बोल खराब निकलिया नहीं निकलिया 35 साल पहले थने लेने आयो बोल खराब निकली की करके वे खुदरोग में खराब नहीं
तो मैं क्यों एक तरबूज खराब आएगो तो इतनी नाराज भी उन्हें कहीं जरूरत है, आपस में सेट कर दो, पड़ोसी नहीं होने तो सो की बात है। एक बार मैं तरबूज लायो 5 रुपया किलो, एक बार मैं तरबूज लायो 5 रुपया किलो और हाथों 50-35 रुपया माइन निकलियो गिलो। एक बार मैं तरबूज लायो 5 रुपया किलो और हाथों 50-35 रुपया माइन निकलियो गिलो, तो लुगाई मासी लड़बा लागी, कैसो आदमी मिलियो ढीलो। मैं क्यों नाराज बेबा को कहीं काम है, शरबत बनान पी लो। धन्यवाद, ज्यादा समय नहीं, और भी कवि ला रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।